हेलो माय स्पार्कल स्टार्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हैं वो हमने पिछले वीडियोस में कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आपने पिछली वाली वीडियोस देख ली होंगी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने जो है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख ली होगी। अगर आपने जो है कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के फटाफट से कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख कर आइए, बिकॉज उसके बिना आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके सर के ऊपर से निकल के जाने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट से जाइए और कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख कर आइए, और अगर आपने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख ली है तो फटाफट से हम जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं क्या बोल रहा है ये। शो दैट द रिलेशन आर इन रियल नंबर्स डिफाइन इज r is equal to a comma b such that a is less than equal to b is reflexive and transitive but not symmetric। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि शो करो कि जो आपका रिलेशन है वो डिफाइंड है किसमें से, रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स के सेट में से आपका जो है रिलेशन डिफाइंड है, और रिलेशन क्या गिवन है कि जो a है वो क्या है, लेस देन इक्वल है b के। तो हमें क्या शो करना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, लेकिन जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है। मतलब जो आपका रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव भी है एंड ट्रांजिटिव भी है, लेकिन वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है, ये हमें शो करना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, तो पहले जो है मैं रिलेशन लिख लेती हूँ। रिलेशन क्या गिवन है हमें, ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी, ठीक है। हमने रिलेशन लिख किया, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करेंगे, लेट करेंगे ए बिलोंग्स टू आर। ये हमने लेट किया कि ए जो है वो बिलोंग्स टू आर है, दैट इम्प्लाइज ए इज लेस देन इक्वल टू ए, है ना। ए बिलोंग्स टू आर है, ये कब होगा, रिलेशन क्या गिवन है हमें, ए लेस देन इक्वल टू बी। तो हमारा रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कोमा ए होता है, मतलब जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर हम बी की जगह पर क्या करेंगे, ए पुट कर दिया मैंने बी की जगह पर, तो ये क्या हो गया, ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए। तो ए जो है छोटा, ए इक्वल होता है ए के, है ना, ये दोनों तो इक्वल होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए कोमा ए है वो भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। पहले हमें गिवन क्या होता है कि जो ए है वो बिलोंग्स टू आर है, और हमें क्या प्रूफ करना होता है कि जो ए कोमा ए है वो भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो ये प्रूफ हो ही गया, देखो रिलेशन से मैच कर रहा है ना, ये रिलेशन से डिफाइंड हो रहा है, ए इज लेस देन इक्वल टू ए है, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए है, ए कोमा ए है, वो भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो हमारा जो आर है वो क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे। सिमेट्रिक के लिए हम दो एलिमेंट्स लेट करेंगे। सो लेट, अब हमें क्या प्रूफ करना है, देखो हमें प्रूफ करना है कि जो ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा। तो मैं जैसे कि एग्जांपल ले लेती हूँ 3.4, है ना। मैंने एग्जांपल के लिए ये दो एलिमेंट्स ले लिए कि लेट 3.4 बिलोंग्स टू आर है, दैट इम्प्लाइज 3.4 बिलोंग्स टू आर कब होंगे, जब 3 जो है वो लेस देन इक्वल हो 4 के। तो ये तो डिफाइंड हो गया, है ना, 3 तो छोटा होता है 4 से। तो अब हमें क्या करना है, इसका उल्टा, सिमेट्रिक मतलब इसका उल्टा भी क्या हो, बिलोंग्स टू आर हो, मतलब 4.3 भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। और 4.3 बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब 4 क्या हो, लेस देन इक्वल हो 3 के। मतलब ये जो हमें रिलेशन गिवन था इसको क्या हो करे, ये सेटिस्फाई करे। तो 4.4 क्या 3 से छोटा होता है, बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो 4 है वो नॉट लेस देन इक्वल है 3 के। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये अगर हमारा रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो ये 4.3 है वो नॉट बिलोंग्स टू आर है, सो आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, हम तीन एलिमेंट्स लेते हैं। तो लेट
कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर की ये जो तीनों हैं ये क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो हमें क्या गिवन होता है, हमें गिवन होता है कि जो ए कोमा बी है एंड जो बी कोमा सी है वो क्या है, बिलोंग्स टू आर है। ये हमें गिवन होता है और हमें प्रूफ क्या करना होता है कि ए कोमा सी भी क्या है, बिलोंग्स टू आर हो, आर है। तो ये ए कोमा बी एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर कब होंगे, जब ए हमारा लेस देन इक्वल होगा बी के, यहाँ से देखो, एंड बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब हमारा बी लेस देन इक्वल होगा सी के, ठीक है। तो अब हमें चेक क्या करना है कि जो हमारा ए कोमा सी है वो भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। तो ए इज़ लेस देन इक्वल टू सी, ये हमें देखना है कि ए जो है वो लेस देन इक्वल टू सी है कि नहीं है। तो देखो, जब हमारा ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो डेफिनेटली सी बात है कि ए तो हमारा सी से छोटा ही होगा। देखो, जब हमारा ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है, तो सी तो सबसे बड़ा हुआ है ना, तो ए भी क्या होगा, सी से छोटा ही होगा। तो ए हमारा क्या प्रूव हो गया कि ए जो है वो लेस देन इक्वल है सी के। इसका क्या मतलब हो गया कि जो हमारा ए कोमा सी है वो बिलोंग्स टू आर है। इसका क्या मतलब हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। तो लो भाई, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या बोल रहा है। चेक वेदर द रिलेशन आर इन रियल नंबर्स डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए कोमा बी सच दैट ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यूब इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि जो रिलेशन है आर वो डिफाइंड है रियल नंबर के सेट में से, और हमें रिलेशन क्या गिवन है कि ए कोमा बी सच दैट ए जो है हमारा छोटा है किससे, बी क्यूब से। तो हमें चेक करना है कि जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो चलिए इसे चेक करते हैं। तो पहले तो हम रिलेशन जो है उसको नोट डाउन कर लेते हैं, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी क्यूब। अब पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिव के लिए हम, हमारी क्या कंडीशन होती है, लेट ए बिलोंग्स टू आर। हमें, हम क्या करते हैं इसको गिवन लेते हैं कि जो ए है वो क्या है, बिलोंग्स टू आर है। ए इज लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। अब देखो, मैंने बी की जगह पे भी क्या कर दिया, ए पुट कर दिया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, जो फर्स्ट एंड सेकेंड एलिमेंट होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है, सेम होता है। तो यहाँ पर मैंने ए बी की जगह पे भी ए पुट कर दिया, तो हमारी जो रिलेशन है वो ये आ गया, ए इज़ लेस देन इक्वल टू ए क्यूब। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल से हम इसे प्रूफ करेंगे। तो लेट एग्जांपल ले लो कि जो ए है वो इज इक्वल टू है 1.4 के, है ना। मैंने ए इक्वल टू क्या ले लिया, 1.4 ले लिया। तो 1.4, अब ये जो 1.4 है इसको हम क्या करेंगे, ए में पुट करेंगे, है ना, ए की जगह पे 1.4 पुट करेंगे इस रिलेशन के अंदर। देन 1.4 इज़ लेस देन इक्वल टू 1.4 का होल क्यूब। तो देखो, क्या 1.4 छोटा है 1.4 के होल क्यूब से, चलो देखते हैं। 1.4, 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है, और 4 का क्यूब क्या होता है, 64। तब देखो, 1.4 क्या छोटा है 1/64 से, 1/4 छोटा बिल्कुल भी नहीं है 1/64 से। तो हम क्या लिख देंगे, 1/4 इज़ नॉट लेस देन इक्वल टू 1/64। तो इसका क्या मतलब हो गया, जो हमारा रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, मतलब ए कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। कि जो हमारा ए कोमा ए है वो बिलोंग्स टू आर नहीं है, तो हमारा जो रिलेशन है वो भी रिफ्लेक्सिव नहीं है। ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर कब होता, जब हमारा ए जो है वो लेस देन इक्वल होता ए के क्यूब के, पर यहाँ तो जो हमारा ए है वो छोटा है ही नहीं है ए के क्यूब से, ये तो बड़ा है, 1.4 तो बड़ा होता है 1/64 से। देखो, मैं इसको भी आपको समझा देती हूँ, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो, 1/4, तो जिसका जो डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, और जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो नंबर क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो 4 है ये छोटा है 64 से,
तो इसलिए जो ये वैल्यू है ये क्या है, बड़ी है 1/64 से, क्योंकि 1/64 में 64 क्या है, बड़ा नंबर है 4 से, मतलब इसका डिनोमिनेटर बड़ा है इस वैल्यू का, इसलिए जो है ये वैल्यू है ये छोटी है, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका मतलब ये वैल्यू क्या है, बड़ी है। ठीक है, तो ये 1/4 क्या है, बड़ा है 1/64 से, इसलिए जो हमारा ए कोमा ए है वो नॉट बिलोंग्स टू आर है, और हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक। तो चलिए अब चेक करते हैं कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं, तो मान लो इसकी जो कंडीशन होती है वो होती है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब ए जो है वो लेस देन इक्वल होगा बी के क्यूब के, एंड बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर कब होगा, जब हमारा बी है वो लेस देन इक्वल होगा ए के क्यूब के। ये तो मैंने कहाँ से लिखा है, रिलेशन से लिखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए और बी को वैल्यू में लेट कर लेती हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू क्या है, 1 है, और बी इज इक्वल टू मैंने 2 लेट कर लिया, तो 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, और इधर क्या लिख लेंगे, बी की जगह पे क्या है, बी क्या है 2 है, तो 2 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यूब। अब देखो 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, एंड 1 का क्यूब क्या होता है, 1 ही होता है। अब देखो क्या 1 छोटा है 8 से, बिल्कुल छोटा है, तो ये तो हमारी सेटिस्फाई हो गई, ये कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई, मतलब ए कोमा बी क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर प्रूव हो गया। अब हमें चेक क्या करना था कि जो बी कोमा ए है वो भी क्या हो, बिलोंग्स टू आर हो। तब देखो क्या 2 छोटा है 1 से, बिल्कुल भी नहीं, 2 तो बड़ा होता है ना 1 से, तो हम क्या लिख देंगे, 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, इट मीन्स बी कोमा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक क्यों प्रूफ नहीं हुआ, क्योंकि जो बी कोमा ए है वो नॉट बिलोंग्स टू आर था, मतलब बी जो है लेस देन इक्वल नहीं है ए क्यूब के, तो हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ऐसे ही हम ट्रांजिटिव चेक कर लेंगे, ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे, हम तीन वैल्यूज तीन एलिमेंट्स सेलेक्ट करते हैं, क्या देखते हैं कि ए कोमा बी कोमा सी क्या हो, बिलोंग्स टू आर है, है ना, तो हमें गिवन क्या होता है कि ए कोमा बी एंड बी कोमा सी जो है वो क्या होता है, बिलोंग्स टू आर होता है, और हमें क्या चेक करना होता है कि जो ए कोमा सी है वो भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। ठीक है, ये हमारी कंडीशन होती है, ये क्वेश्चन ये मैंने ट्रांजिटिव प्रूफ नहीं कर रही मैं यहाँ पे मैं आपको कंडीशन बता रही हूँ, ये हमारी कंडीशन होती है ट्रांजिटिव प्रूफ करने की। अगर ये जो है सेटिस्फाई हो जाता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो हमारा रिलेशन क्या हो जाता है, ट्रांजिटिव प्रूफ हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक एग्जांपल जो हम यहाँ पर लेंगे, तो मैंने लेट किया लेट 2,4,6/5 बिलोंग्स टू आर, ये मैंने तीन एलिमेंट्स लेट किए हैं कि ये क्या है, बिलोंग्स टू आर है। अब मैं चेक करूँगी कि जो 2,4 है और जो 4,6/5 है और जो 2,6/5 है, क्या वो बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। तो पहले हम ए कोमा बी मतलब 2,4 के लिए चेक करेंगे, 2,4 बिलोंग्स टू आर, तो ये बिलोंग्स टू आर कब होंगे, जब हमारा 2 क्या होगा, लेस देन इक्वल होगा 4 के क्यूब के, तो 2 लेस देन इक्वल टू 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, तो क्या 2 64 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो ये तो हमारा प्रूफ हो गया, मतलब जो ए कोमा बी है वो तो प्रूफ हो गया कि लेस बिलोंग्स टू आर है। अब हम चेक करेंगे क्या बी कोमा सी मतलब 4,6/5, अब हम चेक करेंगे कि 4,6/5 क्या है, बिलोंग्स टू आर है या नहीं है। तो देखो 4 इज लेस देन इक्वल, ये देखो मैं ये क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जो है रिलेशन लिख रही हूँ, रिलेशन क्या ये बन था, हमें रिलेशन ये था ए इज लेस देन इक्वल टू बी का क्यूब, ये हमारा रिलेशन था, इसमें क्या कर रही हूँ मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ, तब 6/5 का क्यूब, तो जो 4 है वो छोटा होता है 6/5 के क्यूब से। ठीक है, तो ये जो कंडीशन है इससे भी क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब हम चेक करेंगे कि क्या 2,6/5 बिलोंग्स टू आर है या नहीं है, तो चेक कर लेते हैं 2,6/5 बिलोंग्स टू
आर, ये हम कंडीशन क्या करेंगे, चेक करेंगे. तो टू लेस देन इक्वल टू सिक्स अपॉन फाइव का क्यूब. तो ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होगी. टू इज नॉट लेस देन इक्वल टू सिक्स अपॉन फाइव का क्यूब. आप इसे करके भी देख सकते हो, मैं आपको करके दिखा देती हूँ. ये देखो क्या था हमारा, टू इज लेस देन इक्वल टू सिक्स अपॉन फाइव का क्यूब, है ना. तब देखो सिक्स का क्यूब क्या होता है, सिक्स का क्यूब होता है 216. सिक्स का क्यूब होता है 216. फाइव का क्यूब क्या होता है, 125, है ना, 125. तो 125 से ये वन टाइम जाएगा, 125 बचेगा कितना, 91. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा. पॉइंट में कोई भी वैल्यू आए, मान लो 123 ऐसे कुछ वैल्यू आ गई, तो 1.123 क्या बड़ा है 2 से. देखो 1.123 क्या बड़ा है 2 से, बिल्कुल भी नहीं. 2 बड़ा है ना इस वैल्यू से, तो 2 बड़ा है हमारा. यहाँ पॉइंट के बाद में कितने भी नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन पहले तो 1 ही है ना, तो 2 तो 1 से बड़ा होता है. तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो है कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारा रिलेशन है, लिख देंगे ए कोमा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव. तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी जो है कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं. तो चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1, 2, 3 गिवन बाय आर इज इक्वल टू 1, 2, 2, 1 इज सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव. तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि जो रिलेशन है वो डिफाइंड है सेट में से, और सेट क्या है 1, 2, 3, और जो हमें रिलेशन गिवन है वो गिवन है 1, 2 एंड 2, 1. तो हमसे बोला गया है कि जो ये रिलेशन है ये सिमेट्रिक है, लेकिन ये ट्रांजिटिव भी नहीं है और रिफ्लेक्सिव भी नहीं है. तो चलिए इसे हम प्रूव करते. तो पहले हम क्या चेक करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेंगे. तो उससे पहले मैं क्या करती हूँ, सेट ए लिख लेती हूँ. तो ए मुझे क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, ठीक है. अब मैं क्या करूँगी, रिलेशन लिख लूँगी. रिलेशन क्या गिवन है, 1, 2 एंड 2, 1. अब हम क्या चेक करेंगे कि जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है. तो हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे. हम लिखेंगे 1 belongs to R, कि जो हमारा 1 है वो belongs to R है. तो अब हम देखेंगे क्या 1, 1 भी belongs to R है. रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है कि अगर हमारा 1 belongs to, अगर A belongs to R है तो हम चेक करते हैं कि क्या A, A भी belongs to R है. अगर A, A belongs to R है तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, और अगर A, A belongs to R नहीं है तो हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. तो 1 belongs to R है. अब हम चेक करेंगे क्या 1, 1 भी belongs to R है. तो देखो क्या आपको 1, 1 दिख रहा है रिलेशन के अंदर, नहीं दिख रहा है. तो हम लिख देंगे बट 1, 1 नॉट belongs to R, सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव. कि हमारा 1, 1 जो है वो belongs to R नहीं है, इसलिए हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. ऐसे ही हम सिमेट्रिक चेक कर लेंगे. सिमेट्रिक के लिए हम क्या करते हैं, दो वैल्यूज लेते हैं, दो एलिमेंट्स लेते हैं. तो मैंने ले किया 1, 2 belongs to R. 1, 2 क्या है, belongs to R है. तो अब इसका उल्टा, इसका सिमेट्रिक चेक करेंगे क्या वो भी belongs to R है या नहीं है. तो देखो 2, 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, बिल्कुल दिख रहा है. तो हम लिख देंगे एंड 2, 1 belongs to R. इसका उल्टा भी जो क्या है, R से बिलोंग करता है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा रिलेशन है वो सिमेट्रिक है, R is symmetric. अब हम ट्रांजिटिव चेक कर लेंगे. तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट्स लेते हैं. तो देखो ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, हमें क्या गिवन होता है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, और हमें चेक क्या करना होता है
कि जो ए कोमा सी है वो भी क्या हो, बिलोंग्स टू आर हो। ये हमारी कंडीशन होती है ट्रांजिटिव की। ये मैंने यहाँ पे जो है रिलेशन लिखा हुआ है आपको बताने के लिए। तो देखो, हम इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे, ठीक है। तो देखो, ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, वन कोमा टू क्या है, बिलोंग्स टू आर है, वन कोमा टू बिलोंग्स टू आर, एंड बी कोमा सी, टू कोमा वन भी बिलोंग्स टू आर है एंड टू कोमा वन बिलोंग्स टू आर। पर देखो, क्या वन कोमा वन भी बिलोंग्स टू आर है, मतलब ए कोमा सी भी क्या बिलोंग्स टू आर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लिख देंगे बट वन कोमा वन नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है कंप्लीट हो गया है। सो आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।